ये जो भाई साहब आपको दिख रहा है ना, ये अपने कॉम्पिटिटर्स में, मतलब 100 to 110 सीसी कॉम्पिटिटर्स में सबसे ज्यादा स्टाइलिश है और सबसे ज्यादा खास बात है, क्योंकि इसके टेक्नोलॉजी के कारण। और क्या क्या है इसमें, पहला चीज है जो आपके आंख में एकदम जबरदस्त तरीके से आएगा वो है इसका एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि दूसरे किसी 110 सीसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा हमारे भारत के अंदर में। सो आप जितने भी देख लो ना 100 to 110 सीसी सेगमेंट के किसी भी गाड़ी में, इसमें आपको ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, और अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आई थिंक इकलौता अभी तक ये मतलब इसी गाड़ी में आपको मिलेगा, इसके अलावा दूसरे गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला। और अगर स्टाइलिंग का बात करूँ तो भाई इसमें ये खूबसूरत तरीके से ये जो ब्लू का टच आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ये आपका एलईडी टेक लिखा हुआ है विथ हीरो मोटोकॉर्प के लोगो के साथ, इवन आपको रिम पे वो आपका रिम टेप देखने को मिल जाता है ब्लू कलर का, यहाँ पे वो एक्सटेक है वो देखने को मिल जाता है, पैशन का यहाँ पे ब्रांडिंग करा गया पूरा 3D में, और इधर आते हो आपको फ्यूल इंजेक्टर का आपको लोगो देखने को मिल जाता है। इवन जो मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि गाड़ी पूरा ब्लैक है बट उसके साथ जो इंजन का ये जो केसिंग दिया गया है, मतलब दोनों साइड का, ये आपको सिल्वर कलर का देखने को मिलता है, जो कि ये जो काला कलर है ना, काले कलर के साथ एक अलग कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, एक अलग वाइब्रेंस दे रहा है, और खासकर धूप में पड़ने के कारण ये तो और भी खूबसूरत दिख रहा है। और इसके स्टाइलिंग में जो सबसे अच्छा लगता है वो है आपका इसका ऑल डिजिटल डिस्प्ले। तब ये पूरा हिस्सा देखो ना तो पूरा डिजिटल है, मतलब वो एनालॉग वाला चीज जो पहले हुआ करता था उस चीज को एकदम हटा दिया गया। जैसे ही आप चाबी को ऑन करते हो तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा मुझे लगा, यहाँ पे लिख के आता है हेलो माई हीरो। सो ये एक बहुत अच्छा चीज फील कर रहा था जो भी राइडर है, राइडर लेगा, मान लो उनका मूड थोड़ा ऑफ है किसी भी कारण से, हो सकता हमारे साथ हमेशा नॉर्मल होता रहता है, तो जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हो तो गाड़ी आपको हीरो बोलता है। तो ये बहुत अच्छा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करा है हीरो मोटोकॉर्प ने इस चीज में, कि किसी का मूड अगर ऑफ है तो उसको थोड़ा लाइटन अप कर सकता है इसको देख के, कि ऐसा आपको लगे गाड़ी आपको बोल रही है हेलो माय हीरो। और इसी आपको डिजिटल मीटर में आपको हर चीज मिल जाता है, जैसे कि आपका इंजन का आपको आइकन मिल जाता है, आपको साइड स्टैंड का मिल जाता है, लो फ्यूल का मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, इवन आपका जो फ्यूल गेज है वो भी डिजिटल मिल जाता है। और इस मीटर में आपको वही सिर्फ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, यानी आप अपने फोन के साथ पेयर करते हो तो वहाँ पे पेयर करने के बाद इस मीटर में आपको दिखाता है अगर कोई कॉल करता है तो उनका कॉल का नोटिफिकेशन आता है, इवन अगर कोई SMS करता है SMS का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। यही सर देखो यहाँ पे मिस कॉल का और ये आपको मैसेजिंग का अलर्ट आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपको देखना नहीं पड़ेगा कहीं रुक के कि किसी का कॉल आया कि नहीं, वो आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, आप वहीं पे देख सकते हो कि वहाँ पे किसी का कॉल आया या फिर SMS आया तो आप वहाँ पे पता चल सकता है, तो आपको बार बार रुक के आपका अपना ना फोन चेक नहीं करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है और हम लोग जो मेन दो चीज़ है उसका अगर बात ना करें तो कैसा होगा, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प की पैशन एक्सटेक में आपको दो कमाल का चीज देखने को मिल जाता है। सो पहला चीज है i3s, जो कि आप यहाँ पे इस लोगो को देख सकते हो, जो कि पूरी तरह से हीरो मोटोकॉर्प की है। ट्रैफिक में से धीरे धीरे आप चला के जा रहे हो, अब आपका ट्रैफिक सिग्नल आने वाला था। जनरली हम लोग क्या करते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, गाड़ी को बंद करते हैं, फिर न्यूट्रल करते हैं, फिर जब स्टार्ट करना होता है तो फिर क्लच दबाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर जाते हैं। बट ये i3s होने के साथ ये आपका प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं ये ट्रैफिक सिग्नल पे रुका और मैंने ये न्यूट्रल कर दिया, 5 सेकंड के अंदर गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। There you can see, गाड़ी बंद। अब यहां से जब स्टार्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सेल्फ दबाते हैं फिर जाते हैं, बट इसके साथ वो चीज नहीं है, सिर्फ हमें ये क्लच है वो दबाना है। There you can see, गाड़ी स्टार्ट। और अगर फिर से आपको अगर सही से समझाऊं तो ये देखो, जैसे मैं सिग्नल पर रुका और ठीक 5 से 6 सेकंड के अंदर ये देखो गाड़ी बंद, फिर से मैं सिर्फ इस क्लच को दबाऊंगा, देयर यू कैन सी स्टार्ट, फटाक से गियर चेंज किया और एकदम क्विक निकल गए। और दूसरा है वह एक्सेंस टेक्नोलॉजी, जो कि इनके फ्यूल इंजेक्टर में ही दिया हुआ है। ऐसे ही तो आपको पता है जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली सारा जो आपका जो ऑयल कंजम्पशन है वो आपका कैलकुलेट करता है, मतलब आपका जो कार्ब्यूरेटर है, कार्ब्यूरेटर का वो अपर वेरिएंट है, यानी ऑटोमेटिक वेरिएंट है। बट हीरो मोटोकॉर्प ने यहाँ पे क्या करा, उसमें एक्सेंस टेक्नोलॉजी डाला है, उस चीज़ को वो जो फंक्शन है उसको और अपग्रेड कर देता है, यानी आपका गाड़ी अच्छे से सेंस कर लेगा कि आप जितने स्पीड में चला रहे हो तो आपको कितना तेल का भी ज़रूरत है, और इतना स्पीड में चलाते हो तो वो जो तेल है आपको कितना दूर तक लेके जा सकता है। तो यानी एक तो आपका फ्यूल इंजेक्टर प्लस एक्सेंस होने के कारण आपको गाड़ी में एक अच्छा खासा माइलेज मिलेगा।
आपको इतना कुछ गाड़ी में टेक्नोलॉजी मिल गया, बट इंजन का क्या? क्योंकि भैया अगर इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी तो चलने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी जो भी है वो इंजन के अंदर में ही आता है। इन भाई साहब के अंदर आपको मिल जाता है 113 cc यानी 113 cc का इंजन, जो कि जनरेट करता है 9 ब्रेक हॉर्स पावर, और वो 9 घोड़े मिलके इन भाई साहब में जनरेट करते हैं 9.79 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सच बताऊं जो कि एक ना 113 cc गाड़ी के लिए काफी ज्यादा है यार, आपके ट्रैफिक के हैजल्स आपको क्विक निकालने के लिए, क्योंकि एक तो इसमें i3s टेक्नोलॉजी है तो दोनों मिलकर आपको क्विक पावर देता है। 3, 2, 1 ये 40, ये 50 और ये 60, क्या बात है। और इतने पावर में तो आप सच में आप हेलो माय हीरो वाले हीरो बन गए। और इस इंजन को ऑपरेट करने के लिए आपको मिल जाता है 4-speed गियरबॉक्स मिलता है, जो कि कांस्टेंट मेश टेक्नोलॉजी है, और जो क्लच है वो विट मल्टीप्लेट है, यानी आपका जो क्लच शिफ्टिंग जो होने वाला है, क्लच शिफ्टिंग बेसिकली नहीं मतलब क्लच दबा के जो गियर शिफ्टिंग, वो काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आपको मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, यानी कि साइड स्टैंड गिरा रहेगा तो आप गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाओगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा बट आप गियर शिफ्ट नहीं कर पाओगे, आगे मूव नहीं कर पाओगे। अब यहां पे ये साइड स्टैंड वाला मैं दिखाता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे साइड स्टैंड गिरा हुआ है, तो अभी मैं स्टार्ट करूं गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, बट जैसे ही मैं गियर देता हूं गाड़ी बंद, यानी आप साइड स्टैंड गिराए हुए आप जा ही नहीं सकते हो कहीं। और दूसरा इधर किक स्टार्ट आपको मिल जाता है, जो कि बहुत सही है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है ना उन्होंने किक स्टार्ट देना भी बंद कर दिया है, तो यहाँ पे आपको किक स्टार्ट उसके साथ साथ आपको सेल्फ भी मिल जाता है, यानी आप दोनों जैसे मर्जी आप वैसे स्टार्ट करो। इस गाड़ी में एक और चीज मिलता है जो कि बहुत यूजफुल है आज के लाइफ में, वो है यहाँ पे USB चार्जर। हाँ जी हाँ, यहाँ पे आपको प्री लोडेड USB चार्जर मिल जाता है, जो है आपका प्लग एंड प्ले, यानी कि आपको सिर्फ डेटा केबल लगाना है, आपको अपना फोन चार्ज करना है, आपको बाहर से अलग से कोई आपको जो चार्जर है मोबाइल स्टैंड के साथ जो आता है वो नहीं लगाना है, वो थोड़ा बैटरी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उसका वायरिंग सही नहीं होता, बट यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प ने ऑलरेडी इस पैसन एक्स्ट्रा के अंदर प्री लोडेड दिया है। अब बात करेंगे एक गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कभी भी 1 लाख का गाड़ी लो या 50 लाख का गाड़ी लो, वो एक लौता चीज है जो ग्राउंड के टच में रहता है, वो है इसका टायर। तो टायर जिस पे लगता है वो इसके व्हील्स अलॉयज है, तो यहाँ पे आपको आगे पीछे दोनों अलॉय देखने को मिल जाता है जो कि 18 inches के है, जो कन्वेंशनल जो 17 inches के अलॉय होते हैं मतलब 17 inches के, उससे 1 inch ज्यादा है। और इस 18 inch के अलॉय के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है सामने 100x80 का ट्यूबलेस टायर, पीछे का तरफ भी 100x80 का ट्यूबलेस टायर, और इस 18 inch का पहिए को रोकने के लिए भी इसमें काफी अच्छा खासा ब्रेकिंग दिया गया है। जैसे कि सामने की तरफ आप देख सकते हो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इस गाड़ी में ये पैशन एक्सटेक में आपको यहाँ पे सामने ड्रम भी मिलता है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप फ्रंट ड्रम भी यूज कर सकते हो या फ्रंट आप डिस्क भी ले सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है। तो अगर कंफर्ट की बात करूं तो आपको सामने की तरफ मिल जाता है 30mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे की तरफ आपको मिलता है 7-level एडजस्टेबल वाला हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ट्विन सस्पेंशन। और इस कंफर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है इसका सीट का। तो भैया सीट कितना कंफर्टेबल है ये तो मैं आपको बोल के जो बता सकता हूँ आप उसी में समझ सकते हो, और अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो का जो नियरेस्ट जो डीलरशिप है हीरो मोटोकॉर्प का, आप वहां पे जाकर पैसा एक्स्ट्रा का टेस्ट राइड लो, तब आपको समझ में आएगा कि मैं सच बोल रहा था कि झूठ। वैसे मैं सच ही बोल रहा हूँ। गाड़ी के बारे में जो डिटेल था बस इतना ही था। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो इन भाई साहब का टेस्ट राइड लेने के लिए इन पैसान एक्सटेक का, तो आप अपने नियरेस्ट जो हीरो मोटोकॉर्प का डीलरशिप आप वहां पे जा सकते हो। और अगर तो आपको अच्छा लगा ये वीडियो पता है ना क्या करना, लाइक कर देना, बाय द वे जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं 100K के एकदम क्लोज हूं, मतलब बस इतना सा डिस्टेंस में हूं, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो यार, मुझे फटाफट 100K पहुंचाओ। तो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, मैं चला, बाय बाय। ये भी लगता है क्रिस्टियानो का फैन है, ये बोल रहा है यार मेसी फैन लोग हेट मत करने लगना, आई लव क्रिस्टियानो यार।